मध्य प्रदेश में अब ऐसे बस संचालकों की खैर नहीं जो यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं और परिवहन शर्तों का उल्लंघन करते हैं। इसे लेकर प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आला अफसरों के साथ बैठक की और शिकंजा कसने के निर्देश जारी कर दिए। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर न्यूज़वर्ल्ड से खास बातचीत की। ऐसे बस संचालकों की अब खैर नहीं जो त्योहारों के समय मनमाना किराया वसूलते हैं या फिर चाहे जब अपने तरीके से यात्रियों से पैसा वसूलते हैं। इसको लेकर परिवहन विभाग सख्त है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ऐसे बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्या कुछ फैसला किया गया है, हमारे साथ में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, उनसे बात करते हैं। गोविंद सिंह जी, आपने एक बड़ा फैसला लिया है, लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो बस संचालक है मनमाने तरीके से किराया वसूलते हैं, क्या आपने इसमें तय किया है? देखिए, इसमें अभी कल ही मैं बैठा था तो कोई छात्र लोग आए तो उन्होंने कहा कि साहब ये चार्टर का किराया अलग है, दूसरी बस का किराया अलग है। और अक्सर जब हम लोग किसी त्योहार में आते हैं, दिवाली पे आते हैं, सावन के महीने में आते हैं, हमारे पूना में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बाहर बच्चे पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में बच्चे पढ़ते हैं, तो वो जो आते हैं तो उनसे ये चार्टर्ड बस वाले उनकी शिकायत है किराया दोगुना और तिगुना ले लेते हैं। दूसरा, तो मैंने कल अधिकारियों से कहा है, नोटिस लिखी, इनकी जांच करो। जो निर्धारित किराया है उससे अधिक किराया जो लेता है तो उसकी जांच करो, वो पकड़ा जाता है तो कार्रवाई करो। गोविंद सिंह जी, जिस तरह से आपने चार्टर्ड बस का जिक्र किया, अब वो लंबे समय से शिकायत है कि जो रात्रिकालीन चार्टर्ड बसें चलती हैं और ऐसे में उनके नेशनल परमिट होते हैं और वो राज्य से निकलती हैं, कहीं ना कहीं राजस्व की भी इसमें परिवहन विभाग को हानि होती है, इसको लेकर किस तरह से विभाग गंभीर है? ये भी एक शिकायत कई लोगों ने की है कि रात्रिकालीन जो बसें चलती हैं, हमारे उनके नेशनल परमिट होते हैं, वो स्टेट के अंतर्राज्यीय परमिट वो नहीं लेते हैं और उनका नियम एक्चुअल है कि वो जहां शुरू होती हैं और जहां उनको रुकना होता वहीं पर रुकना चाहिए, पर रास्ते रास्ते की वो पैसेंजर उठाते हैं, जगह जगह खड़ी करते हैं, ये भी नियम विरुद्ध है। इसके लिए मैं जांच के आदेश दे रहा हूं कि जहां जहां इस प्रकार की गलती पाई जाती है तो जांच करिए, क्योंकि तो इससे राजस्व को नुकसान भी हो रहा है और इससे ये इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो जनहित में नहीं है। लर्निंग लाइसेंस को लेकर आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं, किस तरह से इसके जरिए परिवहन विभाग सुविधा देने जा रहे हैं? देखिए, वाहन सारथी पर हम बहुत सारी चीजें ला रहे हैं और इसमें आम आदमी के लिए बहुत सुविधा होने वाली है। अब कुछ दिन बाद वो स्थिति होगी कि आप लाइसेंस घर बैठे बनाइए, आपको आरटीओ जाने का जो परेशानी है वो अभी कुछ समय तो होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन कर रहे हैं जिससे आरटीओ आपको कम से कम जाना पड़ेगा और आपको बैठे बैठे घर बैठे बेगैर दलालों के चक्कर में काम हो जाएगा। अभी महिलाओं को ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने का भी एक कॉन्सेप्ट था परिवहन विभाग का, क्या इस पर काम शुरू हो गया है? क्या काम बहुत अच्छा हुआ है, उस पर बहुत अच्छा हुआ है, इंदौर में हुआ है, एक दो जिलों में और हुआ है। मैंने अभी कहा है कि भाई ट्राइबल एरिया में कहीं तलाश हो, अगर आप महिलाएं इंटरेस्ट है तो वहां हम ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और ट्रेनिंग की सुविधा हम फ्री करेंगे, सारा खर्चा हमारा विभाग उठाएगा। तो मैं समझता हूँ कुछ दिन में तैयारी हो रही है और अच्छी, अगर शौकीन जिनमें जिज्ञासा है महिलाओं में, वो चाहती हैं कि ड्राइविंग सीखे तो हम उनको फ्री लाइसेंस की व्यवस्था करेंगे और फ्री ड्राइविंग ड्राइविंग भी हमको सिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत तमाम तरह के नवाचार परिवहन विभाग को लेकर कर रहे हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि लोगों को परेशान ना हो और एक बेहतर सुविधा विभाग की तरफ से उनको मिले। कैमरा पर्सन आमिर के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, भोपाल।